खबर यूपी से, जहां पर नकल नहीं हुई तो लाखों परीक्षार्थियों ने पहले दिन ही परीक्षा छोड़ दी। तो बता दें कि पहले दिन 2,39,133 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। हाई स्कूल में 1,57,042 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी, तो वहीं इंटरमीडिएट में 82,091 छात्र ने परीक्षा छोड़ दी। तो 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षाओं की शुरुआत हुई है और पहले दिन की बात करें तो 2,39,133 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी। तो परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों में संख्या हाईस्कूल की 1 लाख से ऊपर है। वहीं अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 82,091 छात्र जो हैं उन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ा है। तो इस बार जिस तरह से कई अहम बदलाव किए गए हैं और सख्ती इस बार ज्यादा कड़ी कर दी गई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पहले दिन की अगर परीक्षा की बात करें तो 2,39,133 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। और ये नकल के डर से ही कहीं ना कहीं, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा कराने का ये दम इस बार शासन ने प्रशासन से भरा था और उसी को लेकर ये कोशिशें लगातार जारी थी, जहां पर कल हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो जिला स्तरीय हो या राज्य स्तरीय हो, मॉनिटरिंग यहाँ पर कड़ी की गई थी, हर एक केंद्र पर पैनी नजर। और इसी को लेकर जो छात्र कहीं ना कहीं नकल के चक्कर में थे और अपनी परीक्षाएं पास करने के चक्कर में थे, वो डर गए। और ऐसे में जो नकल कराने वाले संगठन भी थे, वो भी कहीं ना कहीं लपेटे में ना आ जाए, शासन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई ना कर दे कड़ी, ऐसे में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपनी परीक्षाएं ही छोड़नी बेहतर समझी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पहले दिन के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जिस तरह से 2,39,133 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कुल मिलाकर देखें, तो अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में शायद यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और कहा जा रहा है एक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं परीक्षाओं को छोड़ने वाले परीक्षार्थियों का बन सकता है। तो नकलची परीक्षार्थी परीक्षा से पहले ही पस्त हो गए और सख्त पहरा कल हमने देखा कि किस तरह से परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को मिला, पूरे बल की तैनाती वहां पर की गई थी। और संगठन जो कुछ ऐसे लोग जो नकल करवाते थे उन पर नकेल कसते हुए इस बार ये सख्त इंतजाम, कई अहम बदलाव इसके साथ ही किए गए। और नतीजा ये कि पहले दिन 2,39,199 बच्चे जिन्होंने अपनी परीक्षा को बेहतर छोड़ना ही समझा। तो अभी तो पहले दिन की परीक्षा हुई है कल हिंदी की, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं अनुमान यही है कि शायद ये आंकड़ा बढ़ जाए। और ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक एक रिकॉर्ड भी यहां पर परीक्षाएं छोड़ने का बन सकता है। तो इस बार कई इंतजाम सरकार की तरफ से और यही सख्ती बतला रहे हैं कि आखिरकार सरकार कितनी यहां पर किस तरह से जुड़ी हुई है कि आखिरकार छात्र जो है वो अपनी मेहनत से पास हो पाए। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनका रुख सीधा रुख कर लेते हैं। आदित्य, पहले दिन का अगर नतीजा ये रहा तो क्या यही माने कि ये रिकॉर्ड सच में स्थापित हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या सच में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, जिस हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में यानी कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में सख्ती की जा रही थी, इतना तो तय था कि बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं अपना जो है एग्जाम छोड़ने की तैयारी में लग चुके थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि सख्ती इस बार बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं जो नकल करने वाले छात्र छात्राएं थे स्पेशली, उन्होंने इस बार एग्जाम छोड़ दिए हैं। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है वो अपने आप में मायने रखता है। 2,39,000 बच्चों ने जो है परीक्षाएं नहीं दी हैं, ये वाकई में एक चिंतनीय विषय है। और उसके पीछे एक लॉजिक ये भी आता है ऋतु, कि क्या वजह है कि इतने बच्चों ने इतनी संख्या में जो है एग्जाम छोड़ दिए हैं। तो ये भी एक बात कड़वा सच है कि अगर इतनी ही अच्छी पढ़ाई यूपी बोर्ड के कॉलेजों में होने लगे तो शायद ये संख्या इतनी ज्यादा ना पहुंचती। जी, लेकिन आदित्य क्या संभावना यहाँ पर दो हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जब इस तरह की सख्ती हो जाती है तो बच्चे कई बार डर जाते हैं कि आखिरकार क्या पता कि किस चीज को लेकर वो फंस जाए। क्या एक ये डर हो सकता है या फिर एक डर वह जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नकल के चक्कर में होंगे और ऐसे में आखिरकार अंत में आके उन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ना ही बेहतर समझा?
देखिए दोनों ही कारण जो आपने बताए, एक कारण वो दोनों ही कारण इसे यहाँ पर मायने रख रहे हैं। एक तो बच्चों के अंदर एक डर का माहौल, भय का माहौल, जब पहली बार बोर्ड का परीक्षा देने जाते हैं तो एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन हो चुका होता है, काफी गिरा हुआ होता है। एक तो उसको बढ़ाने की जरूरत थी, हालांकि सरकार ने उसमें कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन इन सबके बावजूद सबसे अधिक जो एग्जाम छोड़े हुए हैं वो 1,57,000 स्टूडेंट्स हैं, वो हाईस्कूल में आते हैं, 80,000 के ऊपर इंटर में आते हैं। तो जो एक बड़ी संख्या है एग्जाम छोड़ने वालों की वो हाईस्कूल के बच्चों की है, और उसमें कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भय का माहौल तो था ही था। इसके अलावा जो नकल पर आश्रित थे कि उनको उम्मीदें थी कि हमको कस के नकल कर लेंगे और नकल के सारे पास हो जाएंगे, उन्होंने तो सिरे से ही इस एग्जाम में बैठने की कोई कोशिश नहीं की। एक सवाल, क्या जो कड़े इंतजाम किए गए थे उसके बावजूद भी क्या यहाँ पर कोई ऐसा संगठन, क्या कुछ और ऐसे लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं इस सख्ती के बावजूद भी? देखिए कल जो है 34 छात्रों को नकल के मामले में लिस्टेड किया गया था, उनकी परीक्षाएं रद्द की गई थी 34, उसमें से 26 हाईस्कूल के थे, बाकी 6 इंटर के थे, उनमें से 6 के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं एक खौफ ये भी था कि मुकदमा दर्ज ना हो जाए, इसलिए भी जो नकल करने वाले बच्चे थे वो नहीं पहुंचे, और बहुत अधिक सख्ती की वजह से तमाम स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए। जी चलिए आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सख्ती यहाँ पर लगातार सरकार कर रही है, और सख्ती का नतीजा ये कि कुछ ऐसे मामले जिसको लेकर कहा जा रहा है कि छात्रों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।